सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी लुटेरे देश छोड़कर के चले जाएं। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो अपने कठोर फैसलों और सख्त न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी सख्त कानून व्यवस्था के बीच अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़े करते हैं। इन पूरे मामलों में सच कितना है और हालातों पर चर्चा के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शकील सैफी ने सीएम योगी से मुलाकात तय की है। जो मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं 28 तारीख को अपने उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहा हूं और मैं तमाम देश की जनता से, खास करके उत्तर प्रदेश निवासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आएँ। आदरणीय मेरे साथ हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले साहब जी भी वहाँ पे, जो कि सामाजिक न्याय मंत्री हैं, वो भी वहाँ पर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और सुनेंगे। तो मैं खास करके दलित अल्पसंख्यक और सभी उत्तर प्रदेश निवासियों से ये अपील करूँगा कि वो आप आएँ और VVIP सर्किट हाउस में हम लोग वहाँ पे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और 29 तारीख को हम लोग सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेंगे, उत्तर प्रदेश के उपराज्यपाल श्री राम नाईक जी से भी मुलाकात करेंगे और उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा करेंगे, विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हो रहा है, जैसे अभी गाजियाबाद मस्जिद का है और अभी एक मस्जिद है जो 1946 से उत्तर प्रदेश के अंदर बनी थी, उनकी मेरे पास एक शिकायत लिखित रूप में आई है, उनके ऊपर समस्याओं के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं आशा करता हूँ आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों के हित के लिए अपने राहत कोष से दिया है, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ और तमाम मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूँ कि हमने 70 साल एक सरकार पर विश्वास किया, 5 साल मोदी जी पर विश्वास करके देखें, हो सकता है इस देश का चेहरा और ज़्यादा बदल जाए। मुसलमानों को आने की ज़रूरत है साथ में, कुछ असामाजिक तत्व जो कि नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि असामाजिक तत्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, लगे हाथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं पत्र लिखकर या पर्सनली मिल करके मैं मांग करूँगा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि देखिए हर समस्या का तो देश के प्रधानमंत्री के पास कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन उनके पास समस्याओं को जो पहुँचाएँगे, क्योंकि मोदी जी की नीयत साफ़ है, उन्होंने अपने भाषण में कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसलिए हमें एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहिए, उनके कदम से कदम मिलाकर के हमें साथ चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शकील सैफी की पहचान आज उस मजबूत शख्सियत की तरह है जिसकी गूंज ही आवाज उठाने के लिए काफी है। इस पूरे मामले में शकील सैफी ने BJP और CM योगी पर पूरा भरोसा जताया है और दावा किया है कि जल्द ही इन मामलों की तह का सच जानकर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। उत्तम नगर, नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।